महिषासुर धाती मैया महिषासुर धाती दू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, आज फर्स्ट नवरात्र है और हम सबका फास्ट है, तो आज व्रत वाला खाना भी बनने वाला है। पूरी व्रत वाली थाली, मुझे व्रत वाला खाना बहुत पसंद है। लेकिन सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन इसी तरह मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं, पहले अपना मंदिर सजाते हैं, पूजा करेंगे और फिर शाम को हम व्रत वाली थाली बनाएंगे। सो पूजा की तैयारी स्टार्ट हो गई है। अंदर की आरती हमने कर लिया माता रानी की, अभी बाहर आज सांझी माता का आरता भी होगा तो अभी हम आरता करने चलते हैं। सांझी मैया ता आरता के फूल पिचा बिल्ले सरवन तेरी माटी मुल्तान तेरे पल्ले, इन्हें भाइयों में कौन सा गोरा है, या गोरी के माथे टीका गोरी के कानों कुंडल सोवे, जा संजी जाग तेरे माथे लगा तेरा अटल सुहाग, आरता री आरता संजी माई आरता, आरता के फूल पिचासी के बिड़ले सरवन तेरी माटी मुटन तेरे पल्ले। तो दोनों जगह की आरती हो गई है, अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। सो ये आलू हमने पहले बॉईल कर लिए हैं, अब थोड़े से आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे आटे में मिलाने के लिए। ये आलू हमारे हो गए हैं आटे के लिए कद्दूकस और ये थोड़े आलू हमने फोड़ लिए हैं सब्जी के लिए। अब ये हम टमाटर भी घिस लेंगे सब्जी के लिए, टमाटर हमारे हो गए, थोड़ी सी हरी मिर्च काट लेंगे। सो ये कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी ले लेंगे सब्जी छोकने के लिए, घी हमारा गर्म हो जाएगा उसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जीरा हो जाने के बाद हमने टमाटर और हरी मिर्च भी डाल के इसको भून लिया है। ये हमने नमक और काली मिर्च भी डाल दी। अब पान हो जाने के बाद हमने पानी और आलू भी डाल के अब इसको बॉयल आने तक पका लेंगे अच्छे से। ये हमारा रायता तैयार हो रहा है, हमने इसमें लौकी पहले अलग से उबाल ली थी और अब मट्ठे में वो हल्की सी बॉइल्ड लौकी डाल दी है। लौकी का रायता कुट्टू की पूरी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। हमने इसमें सेंधा नमक भी डाल दिया, हमने भुना हुआ जीरा भी इसमें डाल दिया और अब हमारा रायता एकदम तैयार हो गया है और हमारी सब्जी भी बन गई है, हल्की सी काली मिर्च। अब हमने आटे के लिए वो कद्दूकस वाले आलू परात में ले लिया और अब हमने ये कुट्टू का आटा ले लिया, अब हम इसको छान लेंगे। इसमें हमने ये सेंधा नमक भी डाल दिया है। ये आटे में हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, इसको हम आलू में ही मैश करेंगे। ये आटा हो गया है हमारा रेडी और पूरी तलने के लिए हमने तेल भी गरम होने रख दिया है। सो तेल हमारा गरम हो गया है, हमने पहली पूरी उसमें डाल दी है, अब इसको हम अच्छे से धीमी आंच पर तल लेंगे। ऐसे ही हम अपनी सारी पूरियां तैयार कर लेंगे। खाना हो गया रेडी, अब मैं थाली सजाती हूँ पहले, फिर माता का भोग लगा के फिर मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। सो फाइनली मैं ये खाना टेस्ट करने वाली हूँ कैसा बना है।
तो मुझे मम्मी का सारा ही खाना अच्छा लगता है, लेकिन ये व्रत वाली थाली कुट्टू की पूरी आलू की सब्जी और ये लौकी का रायता, इसे खा के एकदम मजा ही आ जाता है। तो आपको ने भी अगर ये ट्राई नहीं किया तो जल्दी से ट्राई कीजिए, अपने घर में बना के खाइए, आपको बहुत टेस्टी ये लगने वाली है। तो मैं अपने ये खाना ख़त्म कर लेती हूँ, मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपको अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।